खूबसूरती किसी तारीफ की मोहताज भले ही ना होती हो, मगर वो खूबसूरती जो पूरे ब्रह्मांड में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली हो, एक ताज की हकदार तो जरूर होती है। और मिस इंडिया यूनिवर्स 2007 पूजा गुप्ता एक ऐसा ही नाम बन चुका है जो हिंदुस्तान की तरफ से मिस यूनिवर्स के लिए दावेदारी पेश करेगा। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के दौरान पूजा को अपने मिस इंडिया यूनिवर्स चुने जाने का पूरा यकीन है। बिल्कुल लगा कि मैं जीतूंगी, जब मैं यहाँ पर आई थी मैं इसी कठिन दृढ़ परीक्षा के साथ आई थी कि हाँ मैं ये करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी, एंड आई हैड अ हंगर टू ग्रैब इट। पूजा की मेहनत रंग जरूर लाई, मगर उनका सफर था काफी कठिन। वो बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह अटेंड करती घंटों तक चलते ट्रेनिंग सेशंस, जहां उन्होंने सीखा अपने आप को बेहतर तरीके से पेश करना। और इन्हीं सेशंस में एक सेशन था खुद मिस यूनिवर्स रह चुकी लारा दत्ता का, जहां लारा ने सबको नसीहत दी कि ताज को हासिल करने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ कंटेस्टेंट को अपनी जिंदगी को थामना पड़ सकता है। जबकि पूजा का मानना था कि अगर समझदारी से काम लिया जाए तो शायद इसकी जरूरत नहीं। आई थिंक आई एम अ स्मार्ट वुमन, आई डोंट हैव टू पुट माय लाइफ ऑन होल्ड, बट आई मीन आई रिस्पेक्ट लारास वर्ड, बट आई वुड से पुटिंग लाइफ ऑन होल्ड इज अ वेरी हार्श सेंटेंस, वेरी हार्श सेंटेंस फॉर मी टू एक्सेप्ट इट, फॉर मी टू टेक इट द एज ऑफ 23। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मेरा समय किस तरीके से कहाँ डिवाइड होना चाहिए। आई यूज इट वाइजली, एंड इफ़ यू टेल योर ब्रेन दैट यू कैन साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट 3 or 4 थिंग्स, योर ब्रेन कैन डू वंडर्स टू यू। पूजा को पता है कि उनका मकसद क्या है, और बड़ी से बड़ी बॉलीवुड फिल्म के लिए भी वो इस मकसद से डगमगाने वाली नहीं। 15 days आई एम गोना गो रिप्रेजेंट इंडिया, सो राइट नाउ मेरा फोकस ना बॉलीवुड है, ना हॉलीवुड है, ना ही टीवी सीरियल्स है, ना ही एनी सोप ऑपरास। माई फोकस इज टू मेक श्योर दैट इट्स बीन 7 years, वी हैवंट वन द क्राउन, वी हैवंट ब्रिंग एनीथिंग बैक होम। माई मेन फोकस इज राइट नाउ टू गो एंड ditch Bollywood, ditch Hollywood, go and make sure that you get the crown back home. पूजा लगता है खूब वाकिफ है ग्लैम वर्ल्ड की चकाचौंध से, और अपने आप को इन सब से दूर रख वो एक बात तो साफ जाहिर करती है कि सुष्मिता और लारा की तरह वो भी मिस यूनिवर्स के उस ताज को पहनेगी जिसके लिए वो जा रही है 7 समंदर पार। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम।